प्रथम तहलका न्यूज। दीपावली के दिन एक परिवार को असली खुशी तो तब मिली जब उनकी लापता बच्ची घर को लौट कर आई। जी हाँ, बता दें कि फरीदाबाद की रहने वाली एक मूकबधिर युवती अपने एक महीने की बच्ची के साथ लगभग एक महीना पहले लापता हो गई थी। तो वहीं फरीदाबाद की स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने लापता युवती और उसकी मासूम बच्ची को खोज निकाला और परिजनों के हवाले कर दिया। अपने बिछड़े लोगों से मिलकर ये काफी खुश थे। इस परिवार की दीपावली की खुशियां भी दोगुनी हो गई। स्टेट क्राइम की टीम ने इनकी खुशियों में रंग भरने का काम किया। आपको बता दें कि युवती सुनने के अलावा मुंह से तो कुछ भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन उसकी आंखों से निकल रहे आंसुओं ने सब कुछ बयां कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर केवल वहां रह रहे लोग ही भावुक नहीं हुए, बल्कि स्टेट क्राइम की टीम भी भावुक हो गई। स्टेट क्राइम के एएसआई अमर सिंह ने बताया कि फरीदाबाद के बंदबाड़े स्थित अर्थ सेवियर आश्रम से उन्हें एक माँ और बेटी के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसे गुड़गांव पुलिस ने आश्रम में रखवाया हुआ था। बंदवाड़ी अर्थ सेवियर फाउंडेशन में, और एक महिला जो गूंगी थी और बोल नहीं सकती, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी एक साल की। उस बच्ची से बात की तो देखा वो बोल नहीं पाती है, तो उस बच्ची के हमने उस महिला का एक वीडियो बनाया करीब 30-35 सेकंड का, और इस वीडियो को बना के मैंने खुद एक वीडियो बना के उस दोनों को अटैच करके सोशल मीडिया पर हम उस वीडियो को कई दिनों से वायरल कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि भाई इसी तरह की हमने अपील की थी कि भाई आप लोग खुशी से अपना त्यौहार मना रहे हैं और आप ऐसा काम कीजिए कि आपकी वजह से किसी और के घर में भी एक दिवाली का त्यौहार मन जाए। तो लोगों ने उसमें भरपूर सहयोग दिया, उस वीडियो को इतना वायरल किया। आज दिवाली है और दिवाली के दिन परिवार का फ़ोन आता है, परिवार से बात हुई, परिवार से बात करने के बाद पता लगा बच्ची लेडीज़ का मुकदमा एसजीएम नगर थाने में दर्ज है। एच एस साहब से मेरी बात हुई, इसके आई और राकेश से मेरी बात हुई, सभी से मेरी बात हुई। कन्फर्म होने के बाद परिवार को लेकर आज हम आए हैं अर्थ सेवियर फाउंडेशन बनवाड़ी में, जहाँ सही मायनों में हमारी दिवाली अमनी है और इस परिवार की दिवाली भी जिसका खोया महिला थी वो मिल जाए, तो सही मायनों में इसकी दिवाली भी इनकी दिवाली भी। वहीं अर्थ सेवियर आश्रम के संस्थापक रवि कालरा ने बताया कि उनके आश्रम में एक माँ और बेटी बीते एक महीने से रह रही थी। जो महिला बोलने और सुनने में असमर्थ थी, उसके आंसुओं को देखकर उनका दिल बहुत ही कचोटा था, लेकिन उनके ना बोलने सुनने के चलते वे पता नहीं बता पा रही थी, जिसके चलते वे उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और पिछले एक महीने पहले फरीदाबाद पुलिस हमारी संस्था के अंदर एक महिला को लेके आई थी, जिसका नाम रानी है और उसके साथ एक छोटा सा बेबी था, बेबी गर्ल, उसका नाम परी है। तो ये जो महिला है ये सुनने में असमर्थ है और बोल भी ठीक से नहीं पाती है, और ये सड़कों के ऊपर भटक रही थी, तो पुलिस की बड़ी मेहरबानी हुई, उनकी नज़र पड़ गई और स्टेट क्राइम ब्रांच ने उसको हमारी संस्था के अंदर भर्ती करा दिया, जो थाना एसजीएम नगर फरीदाबाद की तरफ से यहाँ पर भर्ती कराई गई। और फिर संस्था में हमने बड़ी देखभाल की और वैसे हमारी भी बड़ी कोशिश रही कि किसी तरीके इसका परिवार इसको मिल जाए, बट हमारे लिए संभव नहीं हो सका। लेकिन आज दिवाली का शुभ दिन है और ये बड़े गर्व की बात है कि भगवान जी के आशीर्वाद से स्टेट क्राइम ब्रांच जो हरियाणा पुलिस की है, उन्होंने बड़ी मेहनत की और उन्होंने इस महिला का, अबला महिला का परिवार भी ढूंढ दिया। तो रोज़ बेचारी रोती रहती थी, हमसे उसके आंसू भी नहीं देखे जाते थे और हम बिल्कुल असमर्थ थे उसकी मदद करने में, बस रहना खाना हम उसको दे रहे थे। बट आज बड़ा अच्छा लगा कि पुलिस की मेहरबानी से और उनके कठोर परिश्रम से इस महिला का परिवार मिल गया और अभी पूरा परिवार हमारी संस्था में आया है और सब खूब रोए, बहुत भावुक हो गए, बड़ी खुशी का माहौल था। हमें तो ऐसे लग रहा है कि असली में आज हमारी दिवाली मन गई। फरीदाबाद स्टेट क्राइम की टीम ने आज एक सराहनीय काम करते हुए मूकबधिर महिला और उसकी बेटी को परिवार से मिलाकर न केवल परिवार में खुशियां लौटाई, बल्कि परिवार की दीपावली की खुशियों को दोगुना कर दिया। स्टेट क्राइम फरीदाबाद की टीम के इस काम की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।